नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में। और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। देश भर के 4 राज्यों में रिलीज न होकर भी पद्मावत ने मात्र 6 दिनों में 129 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। अकेले नॉर्थ अमेरिका में वीकेंड में 31 करोड़ की कमाई करने वाली इस फिल्म के कलेक्शन को लेकर रणवीर ने कहा है, मुझे कलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो बस बंसाली साहब और उनकी टीम के लिए बेहद खुश हूं, क्योंकि किसी भी फिल्म पर इतना पैसा लगाना बहुत बड़ा रिस्क होता है। अब जब फिल्म पैसे कमा रही है तो मैं उनकी खुशी में खुश हूं। मैं चाहता हूं कि फिल्म इज्जत और पैसे दोनों कमाए, अपने किरदार को मिले। लोगों के जबरदस्त रिस्पॉन्स को लेकर उन्होंने कहा, मैं बेहद खुश हूं। विलेन का किरदार निभाने की तमन्ना तो हमेशा से ही थी, इसलिए ऐसा रिस्पॉन्स दिल को सुकून दे रहा है। सबसे ज्यादा तो मैं अपने आप से खुश हूं, क्योंकि जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे डर लग रहा था, मैं फिल्म नहीं करना चाह रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं किरदार निभाते निभाते पागल ना हो जाऊं, मैं तैयार नहीं था। पर सिर्फ भंसाली सर की बात सुनी और कमिटमेंट कर दिया। मेरे एक फिल्मी दोस्त हैं, उन्होंने फिल्म देखकर मुझे मैसेज किया, मोगेम्बो गब्बर खिलजी, यह मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।